हाँ अफरोज भाई, आप तो AIMIL का छात्र संघ अध्यक्ष हैं और अब्दुल इमाम के लिए बहुत मेहनत किए थे, दिलो जान से मेहनत किए थे, पैसा भी खर्चा किए थे उसके लिए, 5 साल तक मेहनत किए हैं। क्या परेशानी है आपको अभी? परेशानी कुछ भी नहीं है भाई, पार्टी देख के हम जुड़े हैं, लेकिन हमको इतना विश्वास था कि ये पार्टी में खड़ा उतरेगा, लेकिन इसका भाषण, इसका बोली। आप अभी कौन पद में हैं? अब पद में छात्र संघ विधानसभा अध्यक्ष। हाँ, लेकिन ये इतना बड़का भ्रष्टाचार निकलेगा हर एक चीज में। ये जहाँ पे पहले 100 रुपये में काम होता था, सीधे अभी 400 में काम हो रहा है। ब्लॉक चले जाइए, आधार कार्ड में चले जाइए, जमीन में चले जाइए, किसी का जमीन किसी को मोटेशन कर दिया है, ये सारी बात रखा जाता है। जैसे मोटा मोटी बिजली विभाग में ले लीजिए। आप तो मीन के लिए बहुत दिलो जान से मेहनत किए थे, रात दिन ये किए थे, पैसा भी बहुत खर्चा किए हैं, पूरा विधानसभा भी घूमे आप, एक एक व्यक्ति के पास जाकर के वोट दिलाए हैं। अब्दुल इमाम को कोई पहचान नहीं था अमोर में, आप लोगों ने, वर्कर लोगों ने पूरा एकदम पहचान दिलाए हैं। इतना जान हम इसलिए लगाए कि कुछ बेहतर हो अपने यहाँ। नया विधायक आएगा, जिस तरह का वो बोलता है उस तरह कहीं करे, हमको क्या मालूम है, सिर्फ वो बोलता है। बोल बच्चन है, बोल बच्चन के आगे कुछ भी नहीं है। आप तो पहले जब विधायक नहीं बना था, आप तो खूब घूमते थे उसके साथ में, एक गाड़ी में घूमते थे। अभी क्या परेशानी? अभी जीतने के बाद सिर्फ दल्ला, जितना भी दल्ला अमोर में है वो सिर्फ दल्ले के साथ में घूमेगा। आप हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का परेशानी है, जैसे मेरे ही साथ में 2-4 मैटर हुआ, उसको हम खुद जाके मिले, लिखित दिए, बोले मेरा जमीन अमोर का है, उसका कर्मचारी किसी और को बेच दिया, लेकिन वो मैटर में आज तक नहीं बोला। बिजली बिल सुधार के लिए जब यहाँ नहीं सुधार रहा था, हम कंप्लेन कर दिए पटना, उसके ये लोग हम पर कंप्लेन कर दिया, मेरा आईडी बंद कर दिया। हम बोले सर ऐसा ऐसा मैटर है, सुधार नहीं होने लगा, हम आगे कर दिए। बोला ठीक है, हम बात करेंगे। फिर कोई एक मछट्टा मजराई में कोई लेडीज को जाके धक्कम धुक्का कर दिया, घर में कोई नहीं था, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हम अपना फील्ड है, मेरा अपना फील्ड है, उस मैटर में मेरा आईडी बंद कर दिया। हम उसमें भी उसको बोले कि सर आप बात कीजिए, किस विषय में मेरा आईडी बंद कर दिया गया, लेकिन उस पर भी कोई वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार विधायक पहली बार हम देखे, और उसका बोली कुछ है, करनी कुछ है, और इतना वो भ्रष्टाचारी आसमान में पहुंचा दिया हर एक चीज में, कमीशन हर एक चीज में। हम कसम खुदा की दावा करके बोल रहे हैं, जो रोड विधायक पहले के विधायक का बना हुआ है, अभी जो ये बना रहा है, उससे अगर आधा साल चले जाएगा ना, हम गुलामी कर जाएंगे। सुनने में आया कि अब्दुल जलील मस्तान पूर्व में जो विधायक था, वो मंत्री भी रह चुका है, जितना भी काम किए थे, रोड पास किए हैं या रोड को बना दिए हैं, उस रोड में जा करके अपना बोर्ड लगा रहा है, इसका क्या? तो पब्लिक क्या बेवकूफ है ये ना भाई, शुरू से अब पब्लिक जानने लगता है यही बना रहा है। पास किया हुआ पहले का है, ये जाके वहाँ ढोल नगाड़ा और एकदम जाके पूरा वो उर्दू भाषा एकदम चालू कर देंगे, लोग सोचेगा बा यही बना रहे हैं। पास के अलावा किसी और का है, अब वहाँ पे ढोल बजा रहे है, क्या करेंगे? बहुत परेशान है, हम तंग आ गए कि इस तरह भ्रष्टाचारी विधायक पहली बार अमोर में हुआ। इससे पहले भी विधायक थे शहबाज अफर साहब, हम ब्लॉक आते थे, कोई भी कंप्लेन होता था सीधे बुलाया जाता था, मेरा तुम इस तरह क्यों किया, मैं पब्लिक के साथ में सीधे तुरंत 2 मिनट में उसको इंसान मिलता था। पूर्व अब्दुल जलील मस्तान साहब थे, कोई भी मैटर हुआ खून होता था 2 मिनट में आके सुनने में आया है ना, मामला को हल करने में आया है। जितना भी वर्कर अब्दुल इमाम के लिए काम करता था, अभी अब्दुल इमाम को गाली देता है, गाली क्यों, इसका क्या कारण है? गाली का भाई, वो सिर्फ उर्दू बोली बोलता है ना भाई, गुलाबी उर्दू बोल के लोग को बेवकूफ बना रहा है, उसका काम कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं कुछ भी काम नहीं है, और सिर्फ यही एक काम है उसका, कितना दलाल है, दलाल को लिया, कहाँ पे कौन किसी है, कहाँ क्या है। सुनने में अफरोज भाई, सुनने में आया है आप छात्र संघ AIMAM का अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, सुनने में आया कि अब्दुल इमाम का भाई के नाम तफीम है,
हर ऑफिस में जा जा करके कलेक्शन करता है। विधायक के नाम से पैसा, उसका भाई विधायक उसका भाई है, लेकिन अख्तरुल इमाम का भाई जो तफीम है वो कलेक्शन करता है। एमओ के यहाँ जा करके, वीडियो के यहाँ जा करके, हर जगह पीसी बना हुआ है। उनका पूर्णिया में मीटिंग होता है, हाँ, कॉन्ट्रेक्टर लोग से पूर्णिया में ही डील करता है। बिजली विभाग का इतना शिकायत है, हाँ, मीटर एक रुपया में नहीं लगता है, दो हज़ार में मीटर लगता है। भाई साहब, हम 200 बार बोल चुके हैं कि भाई इस पर आप आवाज़ उठाइए, जांच कराइए। पार्टी को पाइप नहीं मिलता है, तार नहीं मिलता है, एमसीबी नहीं मिलता है, जब आप वोट नहीं मिलता आप है। एक अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष जो अमौर विधानसभा के, आप ऐसे बोल सकते हैं तो वो जब आपके साथ छल कर रहा अख्तरुल इमाम तो पब्लिक के साथ क्या करेगा वो? ये बात सही बात है, वो वही गुलाबी उर्दू बोल के बेवकूफ बना रहा है। हाँ, तो आप इसमें आपका क्या डिसीजन रहेगा? पार्टी में रहिएगा या पार्टी छोड़िएगा? पार्टी तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करने दे दिया लोग कि इस तरह का आदमी ये निकल जाएगा। एक तो पहला कांड वो टिकट बेचा, दूसरा कांड अभी जहाँ भी जितना भी काम हो रहा है 50% पैसा पहले पकड़ में रखता है वो। उसको हम 200 बार बोले हैं कि बिजली विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन होता है। थ्री फेस कलेक्शन लेने के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपया लिया जाता है, आप उसका जांच करवाइए, लेकिन ये जाँच नहीं करा रहे हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं सर, क्या मतलब है? जब तक ये रुपया नहीं ले रहा, बहुत सारे बात है। ये हम लगा के कहाँ कहाँ नहीं घूम रहे हैं। आ गया जाओ, उठा इसको, तो ये लिया ये कैसे कैसे करके, ये सब आदमी कचरा सब आदमी का। अभी तो आप गाड़ी में हम AIMIM का छात्र संघ अध्यक्ष विधानसभा, और इसको काहे उखाड़ रहे हैं आप? अरे भाई, और मैं हाथ जोड़ के उस लोगों के लिए माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ जो इसके लिए मैं ये मांगा था वोट। हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, कि हम किसके लिए वोट वोट मांगे थे आप? अगर इसके लिए MIM के लिए, क्या कैंडिडेट का नाम क्या है? कैंडिडेट के नाम अख्तरुल इमाम, अख्तरुल इमाम है। तो हमको इसका सच्चाई मालूम नहीं था कि ये सिर्फ